हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th कॉमर्स का OCM और ये है नए सिलेबस का चैप्टर नंबर 4 जो एग्जाम में करता है चमत्कार। और आप हैं सुपरस्टार, आपको भी एग्जाम में करना है आर पार। और इसीलिए दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ईजी टॉपिक है इस चैप्टर का, 20 से 24 मार्क का ये चैप्टर है, अकेला चैप्टर, यस, पूरे सिलेबस के अंदर से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। 20 से 24 मार्क लेकर आ सकते हो आप। इसी एक चैप्टर को पढ़ के पूरे क्वेश्चन पेपर पे राज करने वाला चैप्टर है। और उसमें से सबसे इजी टॉपिक है कम्युनिकेशन, जो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहेंगे। अपना चैनल पर प्यार बरकरार रखिए, प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, ऊपर आई बटन में लिंक्स हैं, IMP क्वेश्चंस भी डाल दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल है अपना स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपका प्यार बरकरार रखिएगा, मोटिवेशन मिलता है और इसी से हम नए नए वीडियोस जो हैं आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो जरूर 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 प्यार बरकरार रखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज बिजनेस सर्विस की जब बात आती है तो याद ही होगा आपको, मैंने कई इंट्रोडक्शंस में कहा है कि बिजनेस कभी भी सर्विसेज के बिना आइसोलेटेड मैनर में चल ही नहीं सकता। यस, बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन आइसोलेटेड मैनर। और इसीलिए हमेशा जरूरत पड़ती है सर्विसेज की, इन बिजनेस की। अलग अलग सर्विसेज के साथ ही बिजनेस जो है तेज तर्रार तरीके से आगे बढ़ सकता है। जी हां, आगे बढ़ने के लिए चाहिए बिजनेस की अलग अलग सर्विसेज। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने अलग अलग सर्विसेज देखी है और आज हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन सर्विस की। यस, हम बात करने जा रहे हैं आज कम्युनिकेशन सर्विस की दोस्तों। और ये जो कम्युनिकेशन सर्विसेज है ना, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। पिछले साल रिड्यूस सिलेबस में डाला गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, अपने को ये पढ़ना ही है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों। तो आज की इस एक ही डेडिकेटेड वीडियो के अंदर पूरा कम्युनिकेशन का टॉपिक कवर करेंगे, एकदम सिंपल और छोटे छोटे मस्त पैकी टिप्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट करेंगे। और ओन वर्ड्स में लिखने को आता है अपने को, नहीं आता है तो सीख लेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो काम फिट, मामला हिट और आंसर हो जाएगा सुपर हिट। याद रखिए दोस्तों, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट रिमेंबर, याद रखोगे वापस पढ़ना है और वापस पढ़ो क्योंकि याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं कम्युनिकेशन का ये टॉपिक। और कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो याद रखिए ये बहुत जरूरी है, इट इज एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। आज के इस युग में, मॉडर्न डे वर्ल्ड में, फास्ट भागती हुई दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन का भंडार आसपास है, वो ठीक से एक्सचेंज होना जरूरी है, लोगों से लोगों तक उनकी बातें पहुंचना जरूरी है, उनके आइडियाज पहुंचना जरूरी है। इसी से तो बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। बिजनेस जब आप तक पहुंचेगा ही नहीं, कोई अच्छा प्रोडक्ट आप तक आएगा ही नहीं, तो फिर वो खरीदेगा कैसे प्रोडक्ट, कंज्यूमर को पता ही नहीं उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एक ऐसा मोड है जिससे एक्सचेंज होते हैं आइडियाज, जिसके जरिए लोगों तक हम पहुंच पाते हैं। फिर वो आजकल के मॉडर्न डे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन हो इंटरनेट के जरिए, या हम कह लें व्हाट्सएप जैसे कई सोशल मीडिया एप्स के जरिए, या हम प्राचीन काल के पोस्टेज और टेलीग्राम जैसी सर्विसेज ले लें जिसके जरिए बातचीत हुआ करती थी, कम्युनिकेशन हुआ करता था। तो आज के इस टॉपिक में हम यही सारी अलग अलग चीजें जो है डिस्कस करने वाले हैं। यस, फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अनदर, द प्रोसेस ऑफ पासिंग एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विद हेल्प ऑफ सम मीडियम, विद हेल्प ऑफ सम मीडियम, किसी जरिए का यूज करके, इट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। मतलब जब हम अपना संदेश किसी और को देते हैं किसी माध्यम के जरिए, तो उस माध्यम को हम कम्युनिकेशन मानते हैं, इसी जरिए को हम कम्युनिकेशन मानते हैं। कम्युनिकेशन इज वेरी सिंपल प्रोसेस वेयर मैसेज इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सेंडर टू द रिसीवर आफ्टर रिसीविंग द मैसेज अंडरस्टैंड इट्स एंड इन द डिजायर्ड फॉर्म एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। यही है कम्युनिकेशन का ब्रीफ। चलिए आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, जिसमें दो मुख्य टाइप्स हैं हमारे बुक में, पोस्टल सर्विस है और मॉडर्न मींस ऑफ कम्युनिकेशन है। पोस्टल सर्विस सबसे पहले देख लेते हैं। यस, पोस्टेज और टेलीग्राम के दौर से ये सर्विसेज शुरू होती थी। इन इंडिया केम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ विच इज द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है विद इट्स नेटवर्क ऑफ
154,965 पोस्ट ऑफिसेस इज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। मतलब भारत का जो पोस्टल नेटवर्क है ये दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। जाहिर सी बात है, आबादी इतनी है, इतने जिले हैं, इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इतने गांव हैं, इतने शहर हैं कि पोस्ट ऑफिसेस बहुत ज्यादा ही हैं हमारे यहाँ पर, और कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन सभी से। तो याद रखिए, अ पोस्ट ऑफिस सर्व्स एन एरिया ऑफ 21.56 स्क्वायर किलोमीटर एंड पॉपुलेशन ऑफ 753 पीपल। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि पोस्टल सर्विसेज जो हैं वो और बढ़ाई जाएं इन डिपार्टमेंट्स के जरिए। उम्मीद करता हूं पोस्टल सर्विस के ये ब्रीफ आपको समझ में आ रहा होगा, ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें से आपको सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत निकाल के आपको इसका सार और समरी प्रेजेंट करनी है, दो तीन लाइन का इंट्रोडक्शन अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके टाइप्स की। तो यहां पर मिस्टर और मिसेस, मिस्टर और मिसेस, एम एस एम आर, याद रखिए, मेल सर्विसेज और स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज, और मिस्टर के अंदर मनी रेमिटेंस सर्विस और रिटेल सर्विस। मतलब पोस्टेज वाले, ये जो पोस्टल सर्विस वाले हैं, ये चार टाइप के सर्विस देते हैं। एक तो मेल सर्विस देते हैं, फिर एक स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस देते हैं, फिर मनी, पैसा भी ट्रांसफर करवाते हैं, मनी रेमिटेंस सर्विस और रिटेल सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। चलिए इन चारों को बारीकी से अपन समझ लेते हैं, आज का वीडियो डेडिकेटेड इन टाइप्स के लिए। यस, सबसे पहला अगर बात करें तो यहां पर मेल सर्विस होती है, और मेल सर्विसेज के अंदर चिट्ठी, टेलीग्राम, ये इनलाइन लेटर हो गए, एनवलप्स हो गए, ये सब भेजने का काम, जो प्राचीन काल से संदेश भेजने का काम होता है ना, वो होता है। तो इनलाइन लेटर इसमें एक है। इनलाइन बोले तो अपने ही देश के अंदर, ट्रांसमिशन विद इन इंडिया ओनली, एकदम सिंपल भाषा में बोलता हूं, ये लेटर कार्ड होता है जो पूरा सील होता है, फोल्डेड होता है, और सिर्फ नाम और एड्रेस दिखाई देता है रिसीवर का, और कुछ भी मैसेज नहीं दिखाई देता, बाकी सब कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है। तो यहां पर याद रखने का, इंडिया के अंदर जब आप लेटर, टेलीग्राम किसी को भेज रहे हैं, इनलाइन लेटर, तो वहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी मिलती है, पोस्टल सर्विस में सबसे अहम सर्विस है ये। दूसरे नंबर पे आता है एनवेलप, तो इट एनेबल सेंड टू सेंड कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस एज वेल एज enclosures like check वगैरह भेजना है, फोटोज भेजने हैं, रिज्यूम बायोडेटा भेजना है, तो आप एनवेलप में भेज सकते हैं। बहुत ही इजी और सेफ माना जाता है डॉक्यूमेंट्स के लिए, कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस के लिए। तीसरी चीज मैं अगर बताऊं तो पार्सल होते हैं, आजकल पार्सल सिस्टम भी बहुत चलता है मेल सर्विसेज के जरिए, तो ये पार्सल जो सर्विस है ये भी हमें पोस्टेज देता है, पोस्टल सर्विस में मिलता है। अंडर पार्सल पोस्ट सर्विसेज, पार्सल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड साइज वेट कैन बी सेंट अक्रॉस द कंट्री, अपने देश में हम पार्सल्स भेज सकते हैं, मिठाई के डब्बे लोग भेजते हैं, राखी वगैरह भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी सुविधाएं भी पोस्टल सर्विसेज में हमें मिल जाती हैं। यस, तो ये पार्सल वाली सर्विस है। इसके अलावा दोस्तों कभी अगर कुछ गड़बड़ होती है, एंड इफ द इंश्योर्ड पार्सल इज लॉस्ट इन ट्रांजिट, द पोस्ट ऑफिस पेज द इंश्योर्ड अमाउंट एज वेल। इसके अलावा बुक पोस्ट की सुविधा भी है बॉस, बुक पोस्ट की सुविधा, प्रिंटेड बुक्स, मैगजीन वगैरह अगर भेजनी है, जर्नल भेजनी है, तो इट कैन बी सेंट थ्रू बुक पोस्ट एज वेल। तो पैकेट्स कंटेनिंग बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मैटर कैन बी इंसर्टेड इन द पैकेट्स, और ये सुविधा भी आपको पोस्टेज से मिल जाती है। तो कितनी, चार सुविधाएं हमने देखी, सबसे पहला इनलाइन लेटर है, दूसरा एनवेलप है, एनवेलप के बाद हमने सी पढ़ा पार्सल, पार्सल के अलावा चौथा हमने पढ़ा बुक पोस्ट। तो ये चार सर्विसेज हैं जो मेल सर्विसेज के अंदर समाविष्ट होती हैं, और ये चार सर्विसेज काफी दो दो लाइन में अगर आप पढ़ते हैं और लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। मेल सर्विसेज के बाद अगर हम बात करें तो मेल सर्विसेज के बाद जो आता है वो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज हैं। क्या है? स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज। और स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज में एक होता है बिजनेस पोस्ट स्पेसिफिक चीजों के लिए, और एक होता है लॉजिस्टिक पोस्ट। बिजनेस पोस्ट में क्या खास है, तो याद रखिए कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशंस हैं, राइट फ्रॉम मेल प्रिपरेशन टू मेल डिलीवरी, आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेसेस एज वेल एज लार्ज कंपनीज। ज्यादातर इनको स्मॉल बिजनेस यूज करते हैं। कस्टमर्स कैन चूज फ्रॉम अ रेंज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल मेलिंग सर्विस इंक्लूडिंग प्रिंटिंग, कोलेक्टिंग, इंसर्टिंग, सीलिंग एंड एड्रेसिंग टू मीट देयर स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स। यानी दोस्तों हमारा भारतीय पोस्ट जो है वो ऐसे छोटे उद्योगों के लिए ये बिजनेस पोस्ट वाली सर्विस भी प्रोवाइड करता है, ताकि एक छोटा बिजनेस सेंटर जो है वो अपने कंसाइनमेंट्स वगैरह जो है बिजनेस पोस्ट से भेज सके। बात करूं लॉजिस्टिक पोस्ट की, तो नाम में ही लॉजिस्टिक आता है, और लॉजिस्टिक पोस्ट जो है ये वंस अगेन बिजनेस कस्टमर्स को है,
कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट एक जरिया बनकर के सामने आता है, एक सॉल्यूशन बनकर के सामने आता है, विच मैनेजेस द एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम कलेक्शन टू स्टोरेज टू ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री। ये क्या करता है भाई, ये पूरा कच्चा चिट्टा आपका सामान, गुड्स कमोडिटीज जो है वो सब कुछ आपका जो है लॉजिस्टिक्स के जरिए प्रोवाइड करता है, शेयर करता है, एक जगह से दूसरी जगह पूरे देश भर में ये सर्विस आपको मिल जाती है। बात करूं दोस्तों ए बी और सी में, तो सी वाला पॉइंट है बिल मेल सर्विसेज। तो यहां पे बिलिंग के सिस्टम के रिलेटेड है ये स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस। याद रखिए कम्युनिकेशन इन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि मंथली बिल्स हैं, मंथली अकाउंट बिल्स या और कोई ऐसी ही सिमिलर नेचर के आइटम्स जो 90 दिन के भीतर पहुंचाने हैं और 90 दिन के भीतर उसके ऊपर एक्ट भी होना चाहिए, यानी पैसे वैसे आने चाहिए, तो ऐसी चीजों को हम बिल मेल सर्विस के जरिए भेजते हैं। पोस्टेड बाय सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर एटलीस्ट वंस इन 90 डेज अंडर दिस सर्विस द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स टू बी पोस्टेड एट टाइम इज 5000। तो 5000 मिनिमम ऐसे बिल मेल सर्विस के मेल्स होने चाहिए तब जाकर ये सर्विस आप अवेल कर पाएंगे। द मेल्स विल बी रिसीव्ड एट आइडेंटिफाइड लोकेशन प्रोवाइडेड, बिल मेल शैल बी फुल्ली सॉर्टेड, पिन कोड वाइज ही सॉर्ट होता है, ये पिन कोड इसके ऊपर होना बहुत जरूरी है ताकि स्पेसिफिक लोकेशन पे स्पेसिफिक जगह पर वो पहुंच पाए। एंड बंडल्ड डिलीवरी पोस्ट ऑफिस वाइज देयर इज नो क्रेडिट फैसिलिटी, कोई भी उधारी यहां पर चलेगी नहीं। तो स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस में बिजनेस पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट और बिल मेल सर्विसेस हमने देखा, ये स्पेशल सर्विसेस हैं अदर देन टेलीग्राम, अदर देन चिट्ठी संदेश वगैरह के अलावा। अगर आपको कुछ स्पेशली बिजनेस के लिए डिजाइन करना है तो स्पेशलाइज्ड मेल सर्विसेस में आपको मिल जाता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। तीसरी सर्विस की बात करूं तो यहां पर आता है मनी रेमिटेंस सर्विस। अब इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, पैसा। यस मनी की सर्विस है। और यहां पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर आजकल बहुत पॉपुलर है, ईएमओ जिसे कहा जाता है, और ईएमओ के जरिए हम इलेक्ट्रॉनिकली जो है पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मनी ऑर्डर इज एन ऑर्डर इशूड बाय द पोस्ट, क्या मनी ऑर्डर बोलते हैं इसको, इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस फॉर द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी टू द पर्सन हुज नेम इज मेंशनड इन द मनी ऑर्डर। इट इज सेंट थ्रू एजेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफिस, अ पेई इज द पर्सन नेम्ड इन द मनी ऑर्डर as the person to whom the money is to be paid. Payee kaun? Jisko pay karna hai. The advantage of sending money to someone through money order is that the money is delivered at the house or his place of stay. Bahut hi easily. Iske alawa instant money order. Yahan pe yaad rakhiye Indian Post presents instant money order scheme also. एक नया स्कीम इन्होंने चालू किया है, द इंस्टेंट ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सर्विस, दैट इज इंस्टेंट, बोले तो क्विक, उंगलियों पर फटाफट, कन्वीनियंट है, रिलायबल है एंड अफोर्डेबल भी है। IMO इज एन इंस्टेंट वेब बेस्ड मनी ट्रांसफर सर्विस थ्रू पोस्ट ऑफिसेस। याद रखिए इन इंडिया बिटवीन टू रेसिडेंट इंडिविजुअल्स और यहाँ पे 1000 से 50000 तक का आप जो है IMO डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस से जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज सिंपल टू सेंड एंड रिसीव मनी थ्रू IMO। तो इस प्रकार से पोस्टल सर्विसेस के अंदर ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है कि आप चिट्ठी लेटर संदेश दे सकते हैं, इसके अलावा आप स्पेशलाइज्ड पोस्ट भेज सकते हैं बिजनेस हाउसेस के लिए, और तीसरा आप मनी रेमिटेंस सर्विस का यूज करके जो है आसानी से पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये पोस्टल सर्विस का जो है दिया गया है सुविधाएं। इसके अलावा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर भी होता है बॉस, विदेशों में आपका कोई रिलेटिव है, आपको वहां पर कुछ भेजना है या वहां से उसे कुछ भेजना है, आपको पैसे वगैरह भेजने, तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर की सुविधा भी पोस्टल डिपार्टमेंट हमें देता है। दोस्तों मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम इज अ क्विक एंड इजी वे ऑफ ट्रांसफरिंग पर्सनल रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। बाहेरून तुमच्याकडे जर पैसा कोणी पाठवत असेल तर तो इंटरनॅशनल मनी ट्रान्सफर मध्ये येतो। ओनली इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंस आर परमिसिबल। Department of Post, Government of India, with the Western Union Financial Services State of the Art International Money Transfer Service is now available through the post offices in India, which enables instantaneous, manje lagechach, remittance of money from around 195 countries and territories to India. To Bharat का अलग अलग देशों के साथ करार हुआ है वेस्टर्न यूनियन के जरिए, और हमारी पोस्ट ऑफिस जो है वो इनवर्ड रेमिटेंस भी जो है वो एक्सेप्ट अप करने लगी है, और ये सुविधा भी भारतीयों को अवेलेबल करा दी गई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी ये अलग अलग कॉन्सेप्ट मनी रेमिटेंस के भी आपको समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं पोस्टल के अंदर रिटेल सर्विसेस की। क्या होती है रिटेल सर्विसेस? तो याद रखिए थ्रू रिटेल पोस्ट, रिटेल पोस्ट के जरिए डिपार्टमेंट थोड़ी सी और सुविधा देता है जनरल पब्लिक को।
by making third party products and services available in their vicinity through selected post offices. मतलब कुछ third party चीजें जो post office खुद नहीं बना रही, लेकिन post office क्या करती है, वो third party की जो चीजें हैं वो post office पे available करवा देती है, ताकि post के जो customers हैं जो उनको convenient provide हो, उन्हें easy मिले. जैसे यहाँ पर under retail post a range of services are offered including the collection of electricity bills. अब वो electricity bills भी collect करते हैं, collection of taxes, collection of other bills and fee for the government etc. इस प्रकार से अलग अलग जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा दी जाती हैं. ये आपको पोस्ट ऑफिस में ही मिल जाती हैं ये सुविधाएं. ये थर्ड पार्टी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एमएसईबी का काम है, लेकिन पोस्ट ऑफिस ये सुविधा भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराती है. फर्दर अंडर रिटेल पोस्ट द पोस्ट ऑफिस सेल्स एप्लीकेशन फॉर्म्स एज वेल. तो इस प्रकार से अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म्स की सुविधाएं भी रिटेल सर्विसेज में आ जाती हैं. यहां पर ई पोस्ट की एक सुविधा है, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट जिसे कहते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड ई पोस्ट सर्विसेज. Through e-post, customers can send their messages to any address in India, भाई कहीं पे भी, with a combination of electronic transmission and physical delivery through network of more than 155,000 post offices. E-post send messages as a soft copy through internet and the destination it will be delivered to the address in the form of hard copy as well. यही खासियत है इसकी. क्या खासियत है e-post की, कि soft copy को hard copy में convert करके, मतलब internet से तो भेजा ही जाता है, उसका printout निकाल करके जो आपका destination है जिसको आपको भेजना है वो hard copy भी भेज दी जाती है e-post के जरिए. e-post can also be availed by the corporate customers by having a business agreement with India Post. तो अगर business agreement है India Post के साथ, तो फिर business houses भी इसको use कर सकते हैं, corporates भी use कर सकते हैं. Corporate customers will get special e-post rates and other value addition. थोड़ा सस्ता मिलेगा general public से, थोड़ा सस्ता corporates को मिलेगा, क्योंकि उनके bulk होते हैं orders. तो इस प्रकार से e-post की सुविधा भी आपको retail service के अंदर मिल जाती है. तो यहां पर दोस्तों हमने टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज में चार टाइप्स पढ़ लिए, मिस और मिस्टर आहा. मिस के अंदर क्या पढ़ा, मेल सर्विस और स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस, और मिस्टर के अंदर क्या पढ़ा, मनी रेमिटेंस सर्विस और रिटेल सर्विस. उम्मीद करता हूं सभी आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, बाकी इसमें कुछ है नहीं. कम्युनिकेशन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं एकदम शॉर्ट में, तो यहां पर आपको एक मिलेगा मॉडर्न मींस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कुरियर सर्विस सबसे फेमस है. आप सबने कुरियर के बारे में सुना है, देखा भी है कि कुरियर बॉय कैसे कुरियर डिलीवर करता है. तो ये मॉडर्न डे मींस ऑफ कम्युनिकेशन है, किस तरह से जो रिटेल में फटाफट फास्ट पेस में कुरियर आप जो है करते हैं किसी को, और आपका सामान हो, गुड्स हो, कमोडिटीज हो, या कोई चीज आपको पहुंचानी हो, तो वो आसानी से आप पहुंचा सकते हैं कुरियर के जरिए. बात करूं दोस्तों कुरियर के अलावा, तो मॉडर्न मींस ऑफ कम्युनिकेशन में इंटरनेट हम सब यूज कर रहे हैं, आप मुझे इंटरनेट के जरिए ही देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट जो है ये सबसे बड़ा साधन है, और इंटरनेट ये सबसे फास्ट पेस कम्युनिकेशन का मोड आज के दौर में बन चुका है. कम्युनिकेशन के मोड में ही अगर हम आज बात करें ईमेल की, तो ईमेल इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेमस एंड पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन. आजकल सोशल मीडिया के जरिए, ईमेल के जरिए कई कॉर्पोरेट्स जो हैं वो डील करते हैं, बातचीत करते हैं, पिचिंग करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं, और ईमेल मार्केटिंग बहुत बड़ा जरिया बन चुका है कम्युनिकेशन का. तो ये भी एक जरिया है. उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे कम्युनिकेशन के मोड जो है आपको समझ में आ गए होंगे. कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टा पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुर जयश्री. चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए, हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे. मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.